हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्मित एंड यू। सो वेलकम टू माय चैनल एंड उसी के साथ साथ आज की तारीख है 20 और 20 जून को भगवान ने आज किया एकदम मस्त काम। भगवान ने कर दिया बारिश की शुरुआत और बारिश की शुरुआत के साथ ही साथ फर्स्ट ट्रिप मुझे मिल गई है जो थी सायन से नेरुल के लिए, जो मुझे नॉर्मल प्राइस में मिली थी, कोई सर्च वगैरह नहीं उस बुकिंग में, ओला की बुकिंग है। सो फर्स्ट बुकिंग जो ओला की है उसका अर्निंग मुझे हुआ है 277 रुपीज। नेरुल SIS कॉलेज के यहाँ पे मैंने कस्टमर को ड्रॉप किया। अभी आप सोचोगे इसमें इतना खुश होने वाली क्या बात है, 277 ही तो मिला है प्राइस। बट गाइस आपको बताना चाहूंगा, नवी मुंबई में वाशी से लेके पनवेल तक आप कहीं पे भी जाओ 15-15 किलोमीटर या फिर 10 किलोमीटर आपके सिर्फ 20 या 10-15 मिनट में आपके कंप्लीट हो जाते हैं। बिकॉज वहाँ पे रस्ते है मस्त में चौड़े चौड़े, ईजिली आपकी ट्रिप जो है फटाफट कंप्लीट हो जाती है। सो इसलिए मुझे नवी मुंबई के ट्रिप्स वगैरह अगर मुझे आएंगे तो मैं पहले एक्सेप्ट कर देता हूँ फटक से, मैं उसके लिए वेट नहीं करता हूँ। सो पहली ट्रिप कंप्लीट हुआ। उसी के साथ साथ एक मेरे पास अपडेट है आपके लिए, आज की इंसेंटिव स्कीम जो है ओला ने चेंज की है। टाइमिंग स्लॉट वही है जो सुबह का 7 से 1 था दोपहर के 1 बजे तक और शाम को 4 बजे से 12 बजे तक रात के वही है। बट सुबह के जो इंसेंटिव पहले हमें मिलते थे 225 रुपये, अभी मिल रहे सिर्फ 200 रुपये और शाम को मिलने वाले सिर्फ 250 रुपये। सो 275 रुपीज शाम के टाइम पे हमें नहीं मिलने वाले, यानी कि टोटल हमें मिलने वाले 450 रुपये अगर हम दोनों इंसेंटिव के टारगेट कंप्लीट करते हैं तो। और उसी के साथ साथ 50 रुपये यहाँ पे कम दे रही है ओला, ठीक है यार चलते हैं, अभी इंसेंटिव्स वगैरह नहीं मिल रहे बट सर्च प्राइस में कमा लेंगे ऐसे ना वैसे। तो अभी मैं आ गया हूँ नेरुल में, नेरुल में SIS कॉलेज के यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, देख रहा हूँ सर्च बुकिंग कोई मिल रही है कि नहीं। सो मिलता हूँ आपको मैं सेकेंड बुकिंग कम्प्लीट करने के बाद। हे एवरीवन, तो सेकंड बुकिंग मेरी जो है वो मुझे मिली थी। मैं गया था नेरुल के ईस्ट से, मैं वेस्ट में गया था नेरुल में पाम बीच साइड में, और पाम बीच साइड में मैं वेट कर रहा था तो मुझे सेकंड बुकिंग जो मिली थी वो थी सानपाड़ा से। तो सानपाड़ा में खास 3 किलोमीटर पिकअप करने गया, मतलब ठीक है यार चलते हैं। हार्डली 3 किलोमीटर कंप्लीट करने के लिए मुझे 5 मिनट बता रहे थे, मतलब ठीक जा गया मैं वहाँ पे लोकेशन पर। लोकेशन पे जाने का कस्टमर को कॉल किया, कस्टमर को कॉल करने कस्टमर कह रहे हैं कि मैंने ऑलरेडी बुकिंग कैंसिल की है, बट उन्होंने बुकिंग कैंसिल नहीं की थी। सो मैंने उनको बताया कि आपने बुकिंग कैंसिल नहीं की है, बट वो कह रहे कि नहीं कैंसिल की है। तो ठीक है, कुछ कुछ लोग कस्टमर्स ऐसे रहते हैं कि उनको 2 मिनट की मैगी से भी जल्दी रहती है, उनको गाड़ियाँ 1 मिनट में चाहिए रहती है, फटाफट उनको दौड़ना रहता है। ठीक है चलते हैं, अभी क्या करेंगे, उनका कॉल है। सो मैं वहाँ पे बुकिंग लोकेशन पे वेट किया मैंने 5 मिनट्स के लिए, और 5 मिनट्स के वेट करने के बाद मैंने उस बुकिंग को कर दिया कैंसिल, जिसका मुझे मिला है 50 रुपीज कैंसिलेशन फी। और उसके बाद मुझे मिली थी सेकेंड बुकिंग, जो एक्चुअल में सेकेंड बुकिंग थी जो मुझे मिली थी सानपाड़ा से तलोजा जेल जो है खारघर में। तो खारघर के तलोजा जेल में मैंने उनको ड्रॉप किया और उसका मुझे उबेर में ये बुकिंग मिली थी। उसके पहले वाली जो भी मैंने कैंसिल की थी वो भी उबेर में थी। तो जो सेकंड बुकिंग थी मैंने खारघर में ड्रॉप किया उनको तलोजा जेल के यहाँ पर, उसका मुझे अर्निंग हुआ है अप्रॉक्स 388 के आसपास। ओके सो अभी मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ थर्ड बुकिंग के लिए, तो थर्ड बुकिंग कंप्लीट करके मैं मिलता हूँ आपको। मेरी थर्ड बुकिंग कंप्लीट हुई है। थर्ड बुकिंग जो मुझे मिली थी वो तलोजा जेल के पास में एक एरिया है, वहाँ से मुझे खारघर से मिली थी तलोजा के यहाँ से, और उनको ड्रॉप करना था सानपाड़ा में MPCT हॉस्पिटल सानपाड़ा में। तो उस बुकिंग का मेरा जो अर्निंग है वो हुआ 410 रुपये। ये जो बुकिंग मुझे मिली थी ये ओला की तरफ से मिली थी 1.7 के सर्च में। सो 1.7 के सर्च में मुझे यहाँ पे 410 रुपये का अर्निंग हुआ। और आपको एक बात बताऊंगा, ये बुकिंग मुझे कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 35 मिनट्स लगे, यानी कि कस्टमर पिकअप करने से लेके सब कुछ अगर देखा जाए तो 40 मिनट का टाइम पकड़िए। और उसके पहले वाली भी जो बुकिंग थी जो मुझे उबेर में मिली थी वो 1.5 के सर्च में थी, जिसको कंप्लीट करने के लिए हार्डली 35 मिनट्स लगा। तो आप देख सकते हो 300 से 400 रुपए का अर्निंग नवी मुंबई में आप इजीली आधे घंटे में कर सकते हैं। सो ये एक मुझे बहुत बड़ा प्लस पॉइंट लगता है नवी मुंबई का। ये ऐसा प्लस पॉइंट आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, कल्याण डोंबिवली विरार वसई कहीं पे भी नहीं, सिर्फ आपको नवी मुंबई में मिलेगा ये प्लस पॉइंट। सो देखता हूं अभी वेट कर रहा हूं मैं यहां पर मेरी थर्ड बुकिंग के लिए ओला के, ओला की थर्ड बुकिंग अभी कहाँ पे लग रही है, बिकॉज और 3 ट्रिप्स बाकी है इंसेंटिव के लिए। इंसेंटिव कंप्लीट करना है बॉस, 200 रुपये का इंसेंटिव मिलेगा। अभी तक वैसे भी मेरा अर्निंग जो है वो अप्रॉक्स 800 रुपये के आसपास तो हो गया। सुबह के बज रहे अभी फिलहाल के लिए 10:30-11 बज रहे सुबह के, तो देखता हूँ मैं अभी थर्ड बुकिंग। ओफ
सो थर्ड बुकिंग मुझे मिल गई है, बाय बाय, मिलता आपको थर्ड बुकिंग को कंप्लीट करके, ये ओला की तरफ से मिली है, बाय। थर्ड बुकिंग मेरी कंप्लीट हुई है ओला की तरफ से। ये जो मुझे बुकिंग मिली थी ये थी सानपाड़ा से कोपर कहराने। आज मैंने डिसाइड किया था जो भी मैं ट्रिप्स लूंगा ये सिर्फ नवी मुंबई के अंदर लूंगा, और नवी मुंबई के अंदर ही मैं सोच रहा हूँ मेरी और बची हुई दो बुकिंग जो है ओला की, जिससे मुझे इंसेंटिव मिलेगा 200 रुपये का, वो मैं यहाँ पे कंप्लीट करूँ नवी मुंबई में। सो मेरी थर्ड बुकिंग जो थी ये सानपाड़ा से कोपर खेराने थी, इसका मुझे अर्निंग जो हुआ ये अप्रॉक्स 160 रुपीज के आसपास अर्निंग हुआ है। और फोर्थ एंड फिफ्थ बुकिंग के लिए वेट कर रहा हूँ, कोपर खेराने में आ गया अभी। कोपर खेराने में इस समय तो बुकिंग का कुछ चांसेस नहीं लग रहा है, दोपहर के बज रहे ऑलमोस्ट 12:10 हुए, तो अभी वेट कर रहा हूँ बुकिंग के लिए फोर्थ एंड फिफ्थ। देखता हूँ आज की बुकिंग्स होगी या नहीं, इंसेंटिव्स कंप्लीट होगा या नहीं, बट ठीक है यार चलते हैं देखते हैं। कोशिश करेंगे फोर्थ एंड फिफ्थ बुकिंग कंप्लीट करने के लिए, ट्राई तो मैं पक्का कर ही रहा हूँ, देखता हूँ जितना हो सके उतना। 1 ही घंटा बाकी रह गया, सो 1 घंटे में देखते हैं हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। सो मिलता हूँ मैं आपको ब्रेक के बाद अगेन। मेरी फोर्थ और फिफ्थ बुकिंग ओला की वो आज कंप्लीट नहीं हुई है। बहुत बुरा लग रहा है आपको बताने के लिए, बट मेरी बुकिंग ये कंप्लीट नहीं हुई। मैं कोपर कहरान में मैंने बहुत वेट किया कोपर कहरान में, 12:15 तक वेट किया। 12:15 बजे मुझे ओला की तरफ से एक बुकिंग मिली थी जिनको जाना था ठाणे, बट मैंने एक्सेप्ट नहीं की बुकिंग, क्योंकि मुझे इतना पता था कि ठाणा छोड़ते छोड़ते 1 बज जाएंगे और 1 बजे तक का टाइम स्लैप मेरा खत्म हो जाएगा इंसेंटिव का। सो मुझे फिफ्थ बुकिंग के लिए नहीं मुझे मिलेगा, टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने वहाँ पर उबर चालू किया। उबर में मुझे बुकिंग मिला माहिम के लिए, माहिम में सेंट माइकल्स चर्च। सो वहाँ पर मैंने कस्टमर को ड्रॉप किया, उनका बिल हुआ 313 रुपये के आसपास, 313। तो मुझे पता है आज मैंने टारगेट कंप्लीट नहीं किया है, थोड़ा बुरा लग रहा है मुझे, पर ठीक है यार, क्योंकि जो हारते वही तो जीतने का मतलब जानते हैं। सो देखते हैं अभी कल के दिन पक्का ट्राई करूंगा मैं जो सुबह का जो टारगेट है 5 बुकिंग्स का ओला का वो कंप्लीट करने के लिए। बट इट्स ओके यार, क्योंकि आज के दिन मेरी जो गाड़ी चली है वो 110 किलोमीटर चली है, 110 किलोमीटर्स, जिसमें मेरा अर्निंग हुआ है अप्रॉक्स 1600 रुपीज़। सो ये मुझे एक बेस्ट अर्निंग लग रहा है, फिर भी थोड़ा सा कम है। मुझे पता है क्या करूँ, आज बारिश गिरी, थोड़ा दिमाग वगैरह नहीं काम कर रहा था सुबह सुबह मेरा। 45 मिनट्स वहाँ पे निरूल से लेके वाशी में उसमें ही वेस्ट हो गया वहाँ पर, क्योंकि थोड़ी देर के लिए मैं वहाँ पे वेट कर रहा था, बुकिंग्स वगैरह नहीं आ रहे थे, थोड़ा सा दिमाग काम करने के लिए थोड़ा सा टाइम लग गया। बट ठीक है, एक बोलते हैं ना जब आप कुछ गलती करते हो तो गलती से आपको सीखने का एक मौका मिलता है। सो यहाँ पर मुझे एक सीखने के लिए मौका मिल गया कि कहाँ पर मेरी क्या गलती हुई है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ऐसी अगर गलती आपसे होती रहेगी तो आपको भी सीखने का इसमें मौका मिलता होगा। सो देखते हैं कल के दिन अभी कंप्लीट करने के लिए पूरी तरह मैं ट्राई करूंगा। आज के लिए वीडियो इतना ही है, ठीक है। और कल मेरे भाई की तरफ से एक क्वेश्चन आया था जो उन्होंने पूछा था कि ये अर्निंग जो है जो हम लोग का कमाते हैं ओला उबेर में, ये बैंक में कभी मिलते हैं, तो मैं उनको बताऊंगा कि ओला के तरफ से जो अर्निंग है वो नेक्स्ट डे ट्रांसफर होती है आपके बैंक में, शाम के 4 या 5 बजे तक आपके अकाउंट में आ जाते हैं जो भी आपका बैलेंस होगा। और उबेर के तरफ से मंडे से लेकर थर्सडे तक आपका जो भी बैलेंस है वो आपको नेक्स्ट डे आ जाते हैं, और फ्राइडे से लेकर संडे तक का जो भी आपका अमाउंट रहेगा आपका कमाया हुआ वो आपको मिलेगा मंडे के दिन। सो उबेर में फ्राइडे टू संडे का लेट आता है थोड़ा सा, और ओला में वो बेस्ट पार्ट है कि नेक्स्ट डे तुरंत आ जाते हैं। सो मिलता हूँ मैं आपको कल फिर से, एक नया स्टार्ट करेंगे, नया चैलेंज करेंगे फिर से एक बार। सो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ अगर पसंद आएगा तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। अच्छा लग रहा है, सब्सक्राइब वगैरह कर रहे हैं आप लोग, बढ़ रहे हैं सब्सक्राइबर वगैरह, इसी तरह मैं इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करते रहूंगा ओला उबेर के रिगार्डिंग। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। आज कुछ बोलने का मन ही नहीं कर रहे क्योंकि चैलेंज कंप्लीट नहीं होना, इसलिए थैंक यू ही बस। सो थैंक्स टू वॉचिंग माई चैनल स्मिथ एंड यू, एंड कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी एंड ड्राइव सेफ एंड टेक केयर। बाय बाय।